ठीक है देखो वॉइस नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है नहीं मैम शायद आप कुछ दे मॉम से आप सबको नहीं आ रही है अगर नहीं आ रही तो मैं रिफ्रेश करती हूं नहीं मैम वो उस वक्त आप मॉम थे तो हमें लगा कि बोल अच्छा रहे अच्छा हैं ठीक है ठीक है ठीक है देखो यहाँ पे जो आपका बजट पास करने का जो यहाँ पे प्रोसेस रहता है ये सिक्स स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड होता है ठीक है तो देखते हैं हम इसमें स्टेजेस क्या क्या रहती हैं तो देखो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप रहता है वो आप पहले सबसे पहले बजट रखते हो संसद में ठीक है और आ, इस, इसके ऊपर आप फिर क्या करते हो यहाँ पे बजट रखने के बाद इसको कैन बी देखो द बजट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू द हाउस इन टू और मोर पार्ट्स वेन सच प्रेजेंटेशन टेक्स प्लेस इच पार्ट शाली डेल्ट विद इट एज इट वर्क एज इफ इट वर्क द बजट फर्दर देर शैल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डे ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस ठीक है तो इसका मतलब है कि आप जिस दिन प्रेजेंट कर रहे हो बजट उस दिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे उसको uh, पढ़ा जाएगा ठीक है उसको सिर्फ प्रेजेंट करा जाएगा उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है पहले दिन ठीक है और फिर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ये जो पूरा uh, फाइनेंस मिनिस्टर है वो पूरी अपनी बजट स्पीच लेके आती है वो यहाँ पे पूरा स्पीच देती है ठीक है और फिर आप इसको आप इसको ले करते हो यहाँ पे लोकसभा में पहले आप यहाँ पे स्पीच देते हैं और फिर ये बजट है ये राज्यसभा के आगे, आगे आप रखते हो ठीक है लेकिन यहाँ पे जो राज्यसभा है विच कैन ओनली डिस्कस इट एंड इट हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स अच्छा आप डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स वो होते हैं जो आपका बजट है बजट में आपको यहाँ पे कुछ पैसा आपको यहाँ पे चाहिए होगा जो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट्री सैंक्शन जिनके लिए चाहिए ठीक है ठीके? तो उनको जो आपके यहाँ पे डिमांड्स हैं ग्रांट्स की तो उन जो आपका मनी बिल रिलेटेड जो प्रोविजन रहेंगे आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा आपको चाहिए होगा डिमांड फॉर ग्रांट्स वो होते हैं उनके ऊपर राज्यसभा के पास पावर नहीं है ठीक है इतना समझ आ गया कि राज्यसभा के पास इस केस में देखो बजट यहाँ पे रहेगा देखो फर्स्ट डे यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे पहले दिन बजट जो है वो यहाँ पे संसद में रखा जाएगा किसमें रखा जाएगा यहाँ पे लोकसभा में रखा जाएगा बजट को ठीक है पूरी जो बजट स्पीच रहे स्पीच रहेगी उसको वहां पे पढ़ा जाएगा उसके बाद क्या होगा कि ये जो बजट है उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा ठीक है उसके सामने यहाँ पे पेश करा जाएगा राज्यसभा के सामने राज्यसभा के सामने पेश करने पे ये क्या होता है कि बजट जो है राज्यसभा डिस्कस कर सकती है उसके ऊपर यहाँ पे वोट करने की पावर नहीं रहती है वोट करने की भी पावर किस पे नहीं रहती है जो भी वहां पे बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स रहती है मतलब जिस जो क्लॉजेस पे पैसा निकालने की यहाँ पे जो बात हो रखी है उन क्लॉजेस पे यहाँ पे राज्यसभा जो है वो वोट नहीं कर सकती ठीक है उनको बोलते हैं हम डिमांड फॉर ग्रांट्स जिनके थ्रू यहाँ पे सैंक्शन होगा यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा ओके बजट तो इन जनरल पास होगा लेकिन उसके जो क्लॉजेस होंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए उस उसपे यहाँ पे, हाँ पे राज्यसभा के पास पावर नहीं रहेगी ठीक है और जिस दिन भी यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे वहां पे उस दिन ये स्पीच uh, बोली जाएगी वहां पर डिस्कशन नहीं होगा ठीक है फिर अब देखो क्या होगा द बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट कम्प्राइज ऑफ यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या होगा कुछ तो यहाँ पे देखो डिमांड ऑफ ग्रांट रहेगा लेकिन बजट में ओवरऑल यहाँ पे क्या चीजें रहेंगी यहाँ पे देखो बजट स्पीच रहेगा जो पहले दिन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी सीतारामन है वो देंगी ठीक है फिर एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा उसमें कि आपके पास पैसा कितना आ रहा है पैसा कितना जा रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर और आपका रिसीट ठीक है रिसीट मतलब पैसा कितना मिलेगा सरकार को और कितना पे सरकार का खर्चा तो में में yes, okay. फिर उस 112 वाले आर्टिकल के अलावा यहाँ पे पूरा बजट में आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स रहेगी जिसपे राज्य सभा के पास पावर नहीं होगी ठीक है इसकी एक्सक्लूसिव पावर रहेगी किसके पास लोकसभा के पास फिर देखो यहाँ पे बजट में एक अप्रोप्रिएशन बिल रहता है अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है अप्रोप्रिएशन के बिना यहाँ पे आप पैसा नहीं निकाल सकते हो फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है तो ये सब आपका जो आपके जो आपका अप्रोप्रिएशन बिल में जो क्या रहता है आ, मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें जो है आपका प्रोविजन आपके कितना आपको कितना पैसा आपको एग्जैक्टली exactly निकालना है जैसे अगर मैंने यहाँ पे मनरेगा के अंडर मुझे यहाँ पे साठ करोड़ चाहिए पैसा तो वो साठ हजार करोड़ जो है वो यहाँ पे उसकी डिटेल्स जो रहेंगी वो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल में रहेंगी ठीक है तो इसके लिए आपके अलग से एक अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा उसके अंदर सैंक्शन करेगी पार्लियामेंट मिलके कि ठीक है ये पैसा जो है आपका सैंक्शन होना है फिर उसके अंदर एक आपका होगा फाइनेंस बिल अच्छा फाइनेंस बिल क्यों होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो कई बार आप बजट में टैक्सेस में चेंजेस लाते हो आप मनी बिल का क्लॉज यूज कर रहे हो है ना तो कुछ आप यहाँ पे मनी बिल के क्लॉजेस भी यूज कर रहे हो तो इसमें आपका फाइनेंस बिल भी रहेगा ठीक है तो एक ही पोर्शन नहीं है यहाँ पे बजट में बहुत सारी चीजें रहेंगी फिर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट रहेगा एफ आर बी एम एक्ट से रिलेटेड एफ आर बी एम एक्ट क्या है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है ये ठीक है इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपना फिजकल डेफिसिट मैनेज करना होता है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमी पढ़िए यस yes, हाँ बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट आप समझ लो कि सरकार का एक खर्चा कितना हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना है ठीक है प्लस यहाँ पे उसका उसकी कमाई कितनी हो रही है उसका रेवेन्यू क्या है ठीक है तो इनका जो यहाँ yes, पे बीच में डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं फिजकल डेफिसिट ठीक है और भी ये भी फर्दर बहुत सारे टाइप के होते हैं प्राइमरी डेफिसिट डेफिसिट रेवेन्यू तो वो डिपेंड कि आप कौन से टाइप का यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो ये जो आपका गैप है वो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि खर्चा और आपकी उसमें कितना डिफरेंस है उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं अब इसको यहाँ पे जो है सरकार को मैनेज करना होता है उसके लिए एक लॉ है ठीक है वो है एफ एक्ट इसका काम क्या होता है यहाँ पे एफ एक्ट में एक्चुअली होता है ये है कि आपको इसमें मेंटेन करना होता है आपका डेट जो है आपका आपका जो ये फिजिकल डेफिसिट जो है ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ना नहीं चाहिए मतलब यहाँ पे जो सरकार कोशिश करती है कि तीन परसेंट के आसपास रहे हमारा फिजिकल डेफिसिट ठीक है थ्री परसेंट ऑफ दी जीडीपी इसके आसपास इससे ज्यादा आपका जो आपका जो यहाँ पे बोरोइंग है सरकार का जो उधार है फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए ठीक है ये यहाँ पे क्योंकि अगर देखो अगर ये अगर ये लिमिट कैप नहीं लगाएंगे यहाँ पे एफ आर बी एम एक्ट नहीं होगा ये कैप नहीं होगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा सरकार जो है वो यूजलेसली बोरो करने लग जाएगी ठीक है तो उसको कैप करने के लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बजट में यहाँ पे आपने एफ के तहत कितना आपने फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन किया है हमेशा आते हैं ना सीतारमन बोलती हैं कि आ, हमने यहाँ पे 3.8 हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा है और अभी कोविड में आपका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है तो उस चीज को यहाँ पे वो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा वो किसके अंडर आता है दिस एक्ट के अंडर और ये आपका बजट में पेश करा जाता है ठीक है इतना समझ आ गया

अब देखो यहाँ पे इसके अलावा एफ आर बी एम में आपकी ये तीनों चीजें होती हैं कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है ठीक है आपका फिजिकल पॉलिसी मतलब कि सरकार कितना लेन देन कर रही है कितना अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन कर रही है फिर आपका मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी वो लोग बताते हैं कि हाँ ठीक है हम एक साल में इतना कम करेंगे अगर हमारा फोर पॉइंट एट हो गया है हम थ्री थ्री पॉइंट एट तक हम इस साल में लाएंगे तो एक वो चीज़ है वेक सी ठीक है फिर देखो यहाँ पे सिक्स सेवेंथ आगे आपका जो है एक्सपेंडिचर बजट रहेगा और आपका एट रहेगा आपका रिसीट पैसा कितना मिल रहा है सरकार को ठीक है फिर एक उसका एक्सपेंडिचर प्रोफाइल रहेगा कि यहाँ पे खर्चा हो रहा है उसमें आपने देखा है ना कि uh, मनरेगा के लिए इतना अलॉट हुआ फिर आपके लिए प्रधानमंत्री ग्राम किसान योजना के लिए uh, इतना हुआ गरीब कल्याण के लिए इतना हुआ तो वो जो पूरा प्रोफाइल है कि आपका पैसा कहाँ जाएगा वो आपका एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में मेंटेन करा जाएगा कभी आ, जो बजट है उसको पूरा देखना तो आपको सब ऐसे कॉलम्स मिलेंगे उसके अंदर पूरा रहेगा ठीक है जाके देखना उसे फिर यहाँ पे देखो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल ये रहेंगे ठीक है फाइनेंस बिल को जो यहाँ पे जो उसकी जो उसके प्रोविजंस रहेंगे कि क्या कितना पैसा उसमें वो डिटेल रहेंगी ठीक है हमेशा जब भी बजट आता है तो उसके साथ एक फाइनेंस बिल भी आता है ठीक है जो कि दोनों सदन में पास होगा फिर यहाँ पे बजट एट द ग्लान्स रहेगा एक ब्रीफ रहेगा ताकि जो आपके एम हैं, जो वो समझ जाए ठीक है और एक आउटकम रहेगा तो ये जो बेसिक चीजें हैं दस बारह चीजें हैं ये बजट जो है उसको बजट बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है ठीक है तो इसके एडेड आपका बहुत सारी चीजें हैं ओके yes,

हाँ ठीक है तो अब देखो हम यहाँ पे इसका यहाँ पे देखो पहला हमने हमने क्या किया बजट को प्रेजेंट कर दिया छह स्टेप्स देखते हैं थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं फटाफट प्रेजेंट कर दिया आपने बजट को उसमें आपने क्या क्या प्रेजेंट किया ये बारह चीजें आपने प्रेजेंट की ठीक है प्रेजेंट करने के बाद अब इस इसपे क्या होगा डिस्कशन चालू होगा बजट सेशन शुरू हो चुका है ठीक है बजट सेशन जो आपका यहाँ पे फेब में होता है वो ठीक है तो अब आपका सदन शुरू हो चुका है तो ऑब्वियसली ये लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि अच्छा ठीक है आपने आपको इसके लिए पैसा क्यों चाहिए आप मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ पे उस चीज़ का एलैबोरेटिव डिस्कशन करा जाएगा ठीक है फिर इसको यहाँ पे आप क्या करोगे इसको वोट पे डालोगे वोट पे डालोगे ठीक है मतलब इसको आ, वोट अब डिस्कशन के बिना यहाँ पे आप वोट पे नहीं डाल सकते ठीक है अब देखो जब भी यहाँ पे बिल का डिस्कशन हो जाता है तो बिल के डिस्कशन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि कमिटीज के पास भेजा जाता है जिसके अंदर वो इवेलुएट करते हैं आपके बजट के प्रोविजन की भाई इन्होंने गलत पैसा तो नहीं मांग लिया है ना तो यहाँ पे देखो इसकी चौबीस डिपार्टमेंटल कमिटीज रहती है पार्लियामेंट की वो यहाँ पे एग्जामिन करेंगी पूरे बजट को बजट पास होने में यहाँ पे एक आध महीना तो लग ही जाता है ठीक है तो ये कमिटीज होंगी ये यहाँ पे इस, इसको बैठ के यहाँ पे इवालुएट करेंगी ठीक है और फिर यहाँ पे आपका होगी वोटिंग फोर्थ स्टेज पे आपकी आती है वोटिंग की कि भाई किसके लिए पैसा आपको सैक्शन करना है किसके लिए आपको पैसा रिजेक्ट करना है ठीक है तो देखो अब वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स अब उस दिन मैं आपको बता रही थी कि जो यहाँ पे जो आपका ये रहता था ना बजट जो पहले रहता था वो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाता था ठीक है यहाँ पे अप्रैल में रहता था पहले बजट लगभग तो अब इसको ऐसा इन्होंने मान के चला कि इसको जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तभी लोग बजट यहाँ बजट सेशन शुरू करते थे लेकिन क्या होता था बाय द टाइम दिस पूरा प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड क्या हो जाता था मई आ जाता था अब इस मई ये पूरा अप्रैल से मई जो आपका आपका महीना था अप्रैल से मई तक का जो महीना है इसके लिए तो पैसा नहीं है ना सरकार के पास तो सरकार क्या करती थी यहाँ पे अलग से यहाँ पे ग्रांट्स लेती थी ठीक है अलग से यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट करती थी ठीक है कि हमें एक महीने का एडवांस में पैसा दे दो बाद में आप अपना बजट पास करते रहना लेकिन एडवांस में ये अप्रैल से अप्रैल वाले महीने का खर्चा दे दो तो सरकार को यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड एफर्ट करना पड़ता था ठीक है अब इन्होंने क्या किया इस चीज को स्किप करने के लिए कि कि भाई हमें ये पूरा प्रोसेस बजट तो टाइम लग जाएगा इसको इन्होंने क्या कर कर दिया दिया फेब में शिफ्ट कर दिया. कि अब जब तक नया यहाँ पे साल शुरू होगा फर्स्ट अप्रैल जब तक आएगी जब तक बहुत यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पूरा बजट पास हो जाएगा और हम जो अलग से एक महीने का पैसा लेते थे डिमांड फॉर ग्रांट्स के फॉर्म में ठीक है वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं ये कह सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक अप्रैल तो से एक... ताकि हम जब नया साल जब शुरू करें फाइनेंशियल ईयर सरकार के पास फ्रेश एलोकेटेड पैसा हो यस मैम ठीक है तो ये यहाँ पे इनका लॉजिक है कि इन्होंने पहले शिफ्ट कर दिया है ठीक है अब देखो यहाँ पे फिर स्क्रूटनी uh, हो गई यहाँ पे अब आप क्या करोगे ग्रांट्स के लिए वोटिंग करोगे ठीक है अब यहाँ पे जो आपके जो जो भी आपके डिमांड्स रहते हैं जैसे कि अगर आपका यहाँ पे आ, कोई एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए आपका हजा, हजार हजार करोड़ एलोकेटेड है तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाएगा है ना तो वाइज जो भी है यहाँ पे आपके डिमांड्स जो हैं वो प्रेजेंट करे जाएंगे ठीक है फिर टू पॉइंट शुड बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स वन वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा ये हम देख चुके हैं कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है का। और राज्यसभा के पास यहाँ पे वोटिंग की पावर नहीं है ठीक है और फिर ऑफ द बजट द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दंसॉलिटेट फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू द वोट इस लाइन का मतलब समझ आया कल हमने जो देखा था चार्ज वाला जो आ, आपका एक्सपेंडिचर रहता है वो भी इंक्लूडेड होता है बजट में लेकिन उसको आप यहाँ पे वोटिंग के लिए सब्जेक्ट नहीं करते हो जो पैसा सैलरी वगैरह पे होना है उसको आप यहाँ पे दूर रखोगे फ्रॉम वोटिंग ऑफ दी मेम्बर्स मैम एक अलग से शो किया जाएगा ना कितना इतनी जो अमाउंट है वो सिर्फ चार्ज जो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है हाँ हाँ हाँ, वो शो, शो करा जाएगा लेकिन उसमें वोटिंग नहीं करी जाएगी वो उसको कटवाया जाएगा मतलब फंड ऑफ इंडिया से उसको कटवा देंगे ठीक है लेकिन वोटिंग यहाँ पे नहीं रहेगी उसके ऊपर जो भी यहाँ पे चार्ज रहता है फंड वो. या कहने हो ही जाएगा, हाँ, जाएगा. बिल्कुल सही यहाँ पे आप मेंशन करो ट्रांसपेरेंसी के लिए हैं और लेकिन इस इसपे वोटिंग नहीं होगी लेकिन हाँ इस पर डिस्कशन हो सकता है ठीक है तो याद yes, रखना कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका चार्ज अपॉन वाला जो रहता है एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट और इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिस्कशन आल्सो तो ये याद रखना कि डिस्कशन इस पे हो सकता है आपका पैसा आप प्रेसिडेंट के लिए कितना एलोकेट कर रहे हो आप उसको डिसाइड नहीं आप उस उसपे डिस्कशन जरूर कर सकते हो आप वोट नहीं कर रहे हो बट उसको डिसाइड डिस्कस कर सकते हो ठीक है और सारी डिमांड्स जो है यहाँ पे लोकसभा में अलग से आ, यहाँ पे वोट करी जाएंगी ठीक है मैम मैम अगर डिस्कशन उस पर कर रहे हैं तो क्या ऐसी भी चीजें हैं कि हम उसमें थोड़ा प्रेसिडेंट के सैलरी पे तो कुछ कम नहीं कर सकते बट और किसी के मतलब और भी कोई मेंबर है तो उसमें क्या डिस्कशन का मतलब तो यही है ना कि हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं डिस्कशन करके हाँ अगर आपको चेंजेस लाने ना तो आपको बाय लॉ करना पड़ेगा आपको कानून लाना पड़ेगा फिर आप ला सकते हो है ना जैसे एमपीस की सैलरी वगैरह भी डिस्कशन वगैरह भी जो होगा मैम तो वो भी ए, उस बेस पे होगा जैसे कि जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने हाँ तो हाँ उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं उसके जो चार्ज हाँ, जा जा अमाउंट कर सकते जा हैं जहाँ है, 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 पर... पे हाँ, बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोविजन स्ट्रिक्टली कभी नहीं रहता आंसर लगा देना कि यहाँ कर सकते हैं ठीक है और मैम हमने ऊपर एक पॉइंट हाँ, देखा था अप्रोप्रिएशन बिल मैम प्लीज वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो तो, तो बजट का उसमें वोटिंग वाले पोर्शन में आए अब देखो यहाँ पे वोटिंग किस प्रकार से होगी ये लोग कैसे मना करेंगे अब यहाँ पे देखो वोटिंग जैसे यहाँ पे अब देखो जो एक्सक्लूसिव राइट रहेगा यहाँ पे लोकसभा के पास रहेगा बजट को पास कराने के लिए है ना लेकिन ये यहाँ पे जो लोकसभा होगी अगर ये असहमत रहेगी इसको मना कैसे करेगी कि हम हमें भैया ये क्लॉज जो है या आपने हजार करोड़ रुपए जो आपने यहाँ पे एलोकेट किया है इसको हमें नहीं देना है तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मोशन होते हैं ये वो वाले मोशन से अलग हैं जो हमने पढ़े थे गिलिट मोशन क्लोजर मोशन और जो और बहुत सारे मोशन पढ़े थे ना एंसिलरी मोशन वगैरह उनसे अलग हैं ये बजट वाले मोशन में अलग होता है ठीक है और इसी बजट वाले मोशन में से सवाल पूछा जाता है ठीक है वो हम मोशंस देखते हैं देखो अगर आपको सरकार की पॉलिसी जो यहाँ पे बजट में है वो पसंद नहीं आ रही है ठीक है तो एक यहाँ पे आता है पॉलिसी कट मोशन पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है कि ये जो पूरा यहाँ पे अगर हमने हजार करोड़ की बात कर रहे थे लोकसभा को यहाँ पे हजार करोड़ नहीं एलोकेट करने हैं तो वो क्या करेंगे यहाँ पे पॉलिसी कट मोशन को मूव करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरी डिमांड थी हजार करोड़ की जो पूरी डिमांड थी यहाँ पे ये पूरी जो हजार करोड़ की डिमांड थी ये कितने पे आ जाएगी ये एक रूपये पे आ जाएगी ठीक है और जब ये एक रूपये पे आ जाएगी इसका मतलब आपने कौन सा मोशन मूव किया है पॉलिसी कट मोशन ठीक है बहुत बारी क्वेश्चन में पूछता है कि पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है पॉलिसी कट मोशन में आपकी पूरी पॉलिसी जो है वो कैंसिल कर दी जाती है एक रूपये पे लाने का मतलब तो यही है ना कि आपने सिर्फ शगुन का एक रुपये रखा है बाकी आपने पूरी पॉलिसी का अमाउंट कैंसिल कर दिया है समझ तो आ रहा है

इकोनॉमी कट में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे हजार करोड़ की जो डिमांड थी उसको आप क्या कर रहे हो आप पाँच सौ करोड़ कर रहे हो ठीक है आप कम कर दे रहे हो लोकसभा के पास बिल्कुल ये पावर है कि ये कम कर सकते हैं ठीक है तो जब यहाँ पे ये रिड्यूस करते हैं अमाउंट को तो इसको आप क्या बोलते हो इकोनॉमी कट ठीक है इकोनॉमी कट मोशन दोनों यहाँ पे मोशन समझ आ गए ना बजट वाले फिर देखो एक यहाँ पे टोकन कट होता है टोकन का मतलब क्या होता है कुछ भी छोटा सा ठीक है तो टोकन कट जब होता है तब आप क्या करते हो यहाँ पे एक हजार करोड़ में से आप सिर्फ सौ रुपए माइनस करते हो ठीक है समझ रहे हो एक हजार करोड़ में से सिर्फ सौ रुपए घटाना टोकन के लिए आपने पैसा घटाया है सिर्फ नाम नाम के लिए पैसा घटाया आपने सिर्फ ये जताने के लिए कि सरकार की ये जो हजार रुपए का आपने सैंक्शन आप जो यहाँ पे मांग रहे हो हम इससे असहमत हैं लेकिन हम फुल्ली एग्री नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत अपनी असहमति जता रहे हैं तो उसके लिए भी आप शगुन का सौ जब काटते हो तो वो आपका होता है टोकन कट ठीक है नाम नाम से आपको याद हो जाएगा कि इनके मतलब क्या है हाँ हाँ बस नाम नाम के लिए कट ले रहे हैं। फिर देखो ये अच्छा इन ये जो कट करते हैं तो ये कहा जाते है कट करते देगा। फंड में फंड से आया ही नहीं है बाहर समझ समझियो मतलब पैसा जो है वो यहाँ अच्छा पे क्या? अकाउंट में है आपको उससे निकालने के लिए यहाँ पैसे पास कराना है ये उसी में रहेगा तो अगर नहीं हो पाएगा हजार में से नौ सौ रूपये आप निकाल सकते बिल्कुल बिल्कुल मतलब नौ सौ रूपए नहीं मतलब नौ हजार करोड़ का जो भी जितना भी माइनस करके सौ रुपये होगा तो वो मैं लेना पे किसी की मतलब कुछ कुछ ऐसा होता है कि मतलब इसमें किसी को कुछ कमी दिखती है तो वो सौ रुपये उसमें से निकाल लेते हैं <laughs> वो सैंक्शन नहीं करेंगे सौ कम आपको देंगे समझ गए बस एक तरीका मैम कि हम हाँ बस वो एक अपना थोड़ा गुस्सा निकाले टोकन करते हैं ठीक है सिली सी बात है लेकिन ठीक है ऐसा होता है प्रोसीजर है टोकन कट पूछते है। हैं हम्म हाँ जी यस कलापट्टी पहनो हाँ बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पे देखो इसके टोकन कट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों में कंफ्यूज करेगा आपको कि अच्छा पॉलिसी कट में क्या करते हैं सौ रुपए काट लेते हैं तो कंफ्यूजन रहेगी पॉलिसी कट मतलब पॉलिसी ही कट खत्म इकोनॉमी कट में कुछ अमाउंट कट और टोकन कट में यहाँ पे कुछ टोकन का अमाउंट कट मैम ये लोग ने तो कंफ्यूज कर दिया पॉलिसी कट में भी लास्ट में एक रुपए बच रहे हैं और इकोनॉमी कट में भी थोड़ा कम हो रहा है टोकन कट में सो रुपए हाँ, तो वही तो बात है आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन इनके नाम याद रखो ना पॉलिसी कट का मतलब क्या हुआ मतलब पॉलिसी खतम, पॉलिसी पॉलिसी खत्म कट कट हो गई तो कब होगी जब आप हजार का हजार का करोड़ ही नहीं दोगे है ना एक रूपये तो आप थोड़ा इज्जत बचा थोड़ा सा बचा लिया आपने इज्जत एक रूपये देके फिर आपने यहाँ पे इकोनॉमी कट का मतलब इकोनॉमी मतलब पैसा थोड़ा बहुत और आपने लमसम कुछ आपने यहाँ पे डिडक्शन कर दिया टोकन कट का मतलब क्या है इसे टोकन बस टोकन का मतलब छोटा सा उसका लिटरल मतलब क्या होता है टोकन का छोटा सा ना अमाउंट तो yes बस मैं। और मैम ये पॉलिसी जो पॉलिसी कट होता है उसमें एक रुपया देके बस यही जताया जाता, हाँ, 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 जाता है कि हाँ कि ठीक उन्हें नीचा नीचा दिखाया जाता है हाँ तो हाँ, तो हाँ बिल्कुल तो आपकी डिमांड इतनी आ, मतलब उस लायक नहीं कि हम आपको ये अमाउंट दे सके हाँ कि लेकिन ठीक है आप एक तो रख ही लो ठीक है मैम एक क्वेश्चन है मैम हाँ हाँ बोलिए बोलिए

उसको पास कराएंगे ये लोग यस yes, मैम मान लीजिए शिक्षा पर आप, आप हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं और कृषि पर आप इतना खर्च कर रहे हैं तो अगर कृषि पर सहमत नहीं है तो कृषि वाले क्षेत्र पर से काटेंगे हाँ, उसमें वाले कम कराएंगे हाँ. या फिर पूरे बजट पे कम करा दिया जाए नहीं 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 कृषि पॉलिसी ये पॉलिसी स्पेसिफिक रहेगा अमाउंट स्पेसिफिक रहेगा अलग अलग प्रोविजंस पे वोट होगा ये हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कर रहे हैं ना डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे तो यहाँ पे पूरी पावर है लोकसभा के पास तो अलग अलग क्लॉजेस जो हैं जो पैसा मांग रहे हैं उस पे वोटिंग चल रही है तो okay. उसमें आपकी पॉलिसी जो अलग अलग सरकार ने बता रखी है पूरा यहाँ पे बताएंगे ना कि आपको यहाँ पे पैसा जो है किस तरीके से चाहिए डिमांड ऑफ में सब होगा यहाँ पे ठीक okay, तो है, है निकालना चाहते हैं उसके लिए अलग से वोटिंग होती है हाँ बिल्कुल अलग से वोटिंग होती है बिल्कुल और okay. ये पूरा बजट ही ऐसे तैयार होता है कि सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं अपना प्रपोजल सबमिट करती हैं पू ये देखो प्राइवेट कंपनी जो होती हैं मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये गवर्नमेंट नहीं करती हैं ये खैर मेरे को बैक सोर्स से पता है कि ये लोग नहीं करते हैं पूरा यहाँ पे जो ये एनालिसिस रहता है ये सारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज जो हैं उसको यहाँ पे सबमिट करते हैं पूरे आपके जो जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है उसको यहाँ पे रहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं इस चीज़ को पूरा एनालाइज़ करने के लिए ठीक है आउटसोर्स करते हैं गवर्नमेंट और उस यहाँ पे मिनिस्ट्रीज जो है आपका जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से हज़ार करोड़ की डिमांड आई है तभी यहाँ पे यह बजट में है आई है कि ठीक है हम आपकी हज़ार करोड़ की डिमांड मानते हैं उसके बाद पूरा यहाँ पे साल पूरा प्रोसेस करके ये आ, बजट जो है पूरा बनाया जाता है दिसंबर से शुरू कर देते हैं दो महीने में ये लोग पूरा बना पाते हैं ठीक है और बल्कि मतलब पता नहीं बहुत उसके साथ कहानियां भी एसोसिएटेड हैं कि ये लोग सीक्रेट uh, रखते हैं बहुत ज्यादा तो वो खैर वो अलग बातें हैं लेकिन ये इसका जो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है चलो मैम जो गवर्नमेंट गौर, रहेगी वही तो ये बजट लाती है बिल्कुल तो 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 मेजोरिटी तो की, की तो रहेगी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना आप पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते हो आपको यहाँ पे एम की सहमति लेनी पड़ेगी अगर आपके पास यहाँ पे सहमति नहीं है तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट की सहमति आपको लेनी पड़ेगी ना एग्जीक्यूटिव एक्शन से yes, जब भी देखो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो दूसरे फंड में लागू होता है प्रेसिडेंट वहां पे कहेगा कंटिजेंसी फंड से या फिर आपका जो पब्लिक अकाउंट वाला है वहां पे अभी हम देखेंगे वो तीनों दोनों जो फंड है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से लाना होता है तो सरकार भी पैसा नहीं निकाल सकती है जब तक वो यहाँ पे पार्लियामेंट से सहमति ना ले ले ठीक है प्रेसिडेंट बोलेगा कि नहीं मेरे को पैसा दे दो तुम सीएफआई uh, से तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है यहाँ पे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा ठीक है वरना कोई भी भाई कितना भी खर्च कर लेगा है ना तो ये चेक एंड बैलेंस है जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में है

बहुत खराब बात हो जाएगी ऐसा एग्जांपल है नहीं वैसे लेकिन बहुत खराब बात हो जाएगी अगर बजट आप नहीं sanction करा पाओगे तो हाँ हाँ राजेश मैम ये कह रहा था मैं कि जो ये कटौतियां हैं एक तरह से जो जो MPs होते हैं तो हुँ. उनकी जो जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबद्धता को दिखाते हैं ये लोग ठीक है तो एकदम सही वेल बोर्डेड एकदम चलो यहाँ पे टोकन कट टोकन मोशन टोकन कट मोशन के बारे में देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है कि एक तो आप यहाँ पे सौ रुपए कम कर रहे हो ठीक है फिर आपका क्या है कि द कट मोशन इज टू बी एडमिसेबल मस्ट सैटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन देखते हैं इसमें कंडीशन क्या क्या रहती है टोकन कट में देखो एक तो यहाँ पे इट शुड रिलेट टू ओनली वन डिमांड ओनली अब टोकन कट जो है ना आप हर किसी पे नहीं आप करते रहोगे यही नहीं करते रहोगे कि हर पॉलिसी के लिए आप टोकन कट मूव कर रहे हो एक यहाँ पे आपकी डिमांड होनी चाहिए ठीक है इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट ठीक है आपको अपनी असहमति जो आप जता रहे हो उसके लिए आपको रीजन भी बताना पड़ेगा ठीक है और प्लस यहाँ पे इट शुड भी कंफाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर एक ही अगर हजार करोड़ में से ही करना है तो एक ही बार आप सेलेक्ट कर लो आपको किसमें कट मोशन आपको मूव करना है ठीक है ऐसा नहीं है कि हर हर पॉलिसी भी आप चला रहे हो ठीक है क्योंकि फिर गवर्नमेंट चलाना और सैक्शन करवाना पैसा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट ठीक है ये ये कुछ सेफ गार्ड्स है जो यहाँ पे टोकन कट के लिए यहाँ पे दे रखे नॉट वेरी इम्पोर्टेंट बहुत जनरल uh, से स्टेटमेंट है ठीक है और इट शुड नॉट रिलेट टू दी एक्सपेंडिचर चार्ज To fund of industry, क्योंकि एक्सपेंडिचर चार्ज वाला जो आपका सैलरीज है उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए ठीक है वो तो आप उसमें आप पैसा नहीं काट सकते हो उसमें आप मोशन मूव नहीं कर सकते हो ये वाला वो तो कटना है तो कटना है ठीक है फिर आ, यहाँ पे प्रिविलेज का सवाल नहीं होना चाहिए प्लस यहाँ पे दोबारा से आप ये नहीं कि डिस्कशन लेके बैठ गए उसका ठीक है और इट शुड नॉट रिलेट टू द ट्रिवियल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर से नहीं यहाँ पे जुड़ा होना चाहिए ठीक है पता चले आपका कोर्ट में कुछ उससे रिलेटेड मैटर हो तो ये सब मैटर्स जो है ये सब नहीं होने चाहिए ये दिस इज फॉर द्यूट न्यूट्रलिटी ठीक है फिर इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हुज पर्सन कैन ओनली हुज कंडक्ट कैन ओनली बी चैलेंज ऑन द सबस्टैंडिव मोशन और ठीक है यहाँ पे किसी कैरेक्टर की वजह से कि भाई कि भाई आपको कोई मिनिस्टर पसंद नहीं है तो आप उसके हम उसके खिलाफ यहाँ पे टोकन हम उसको पैसा सेंक्शन नहीं करेंगे तो इस वजह से नहीं होना चाहिए ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं तो मतलब उन्होंने देखो मेंशन भी कर दिया कि इन वजह से नहीं होनी चाहिए ओके इट शुड नॉट अ मैटर विच है, हाँ. तो मन की बात कौन जानते है? <laughs> नहीं ये सब नहीं होगा तो अगर ये सब ये देखो ये हाँ पे आपका नहीं होगा कि, कि जैसे कटौतियां हो रही है वो भी लोकसभा में तो लोकसभा में मेजोरिटी होती है और मेजोरिटी होते हुए भी अगर कटौतियां होती है तो इसका मतलब है कि वो अपने जनता के प्रति अपने क्षेत्र के प्रति एक जिम्मेदार हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और अगर देखो ये बातें अगर इसमें शामिल होती हैं तो जो आपका स्पीकर है वो एडमिट नहीं करेगा टोकन मोशन ठीक है उसी के हाथ में तो होता है मोशन एडमिट करना कि भाई उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है वो रिजेक्ट कर देगा इस बेसिस पे कि भाई आपने जो है गलत बात कर दी है

अब पास नहीं होंगे जब तक यहाँ पे मामला साफ नहीं हो जाएगा तो उससे रिलेटेड तो, मे, है है। तो यही है कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल विदहोल्ड कर रहे हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वगैरह का ठीक है और हाउए वर्क द कट मोशन डू नॉट है कोई भी यूज नहीं है सौ रुपये कम करके आप क्या उखाड़ लोगे सरकार का है ना तो प्रैक्टिकली तो तो इसका कुछ भी यूज नहीं है सो मैम अगर देखा जाए तो जो ये इकोनॉमिक कट है ये एक इम्पोर्टेंट है मैम इससे क्या होता है की आप गवर्नमेंट में हैं आप बजट पेश कर रहे हैं अपनी मनमानी से पैसा हाँ, निकालना चाहते हैं हाँ, हाँ, हाँ। तो ये अमाउंट दिखा दी पर यहाँ पर जो वो लोग बैठे हैं जनता के प्रतिनिधि एम वगैरह वो देखते हैं कि यहाँ जरूरत कितनी की है तो उतनी अमाउंट आपको दी जाए बढ़ा के क्यों बिल्कुल दे अगर ये आपने ज्यादा मांग ली है आपने गौशाला के लिए इतने सारे पैसे मांग लिए हैं मांग लिए तो फिर आ, वो कहेंगे कि भाई आपको इतनी इसकी जरूरत ही नहीं है तो आप उसमें इकोनॉमी कट करो है ना तो वहां पे इकोनॉमी कट कर, ये कर ये देंगे ये सब आएगा जब पार्लियामेंट्री कमेटी में वहां पे सब वो लोग रीड कर लेंगे ठीक है उन लोग को सही लगेगा तभी ये सब चीजें मूव होंगी ऐसे आर्बिट्रिल मूव नहीं होंगी ठीक है

आखिरी दिन जब बचता है हमेशा जो आपका जो सेशन रहते हैं दैट 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 इज नीड्स टू टू बी अकॉर्डिंग द डेट जो उनकी सैंक्शन अगर यहाँ पे कैबिनेट ने पंद्रह uh, दिन का सदन बिठाया है तो आपको उन लोगों ने डिसाइड कर रखा होगा कि यहाँ पे चलो दस दिन है दस दिन तक हम यहाँ पे uh, इसका डिस्कशन करेंगे उसके बाद नहीं ठीक है तो दसवें दिन जो रहेगा यहाँ पे लास्ट डे जो रहेगा डिस्कशन का उस दिन यहाँ पे कौन सा मोशन पास करेंगे वहाँ पे गिलेट मोशन पास करेंगे मैंने आपको बताया था ना कि गिलेट मोशन क्या होता है मतलब आपका पूरा पे क्लोजर के लिए मूव कि खत्म अब अब बहुत हो गया डिस्कशन हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं वोट पे डालते हैं तो उसके लिए हमारा जो था वो गिलेट मोशन था ठीक है ये यह देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये यह सारे क्लोजर के मोशन रहते हैं ठीक है इनको जब आप मूव करते हो तो उनको आप यहाँ पे वोटिंग पे डाल रहे हो ठीक है इनको नोट्स में देख लेना रिवाइज कर लेना मोशन था कि अब अब पे पे समय की कमी के कारण अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करा जाएगा डिस्कशन का समय ओवर हो चुका है तो उसमें आप लाओगे गिलेट इन मोशन ठीक है खत्म वोट करा जाएगा अब सीधे चलो और फिर यहाँ पे वोटिंग हो गई अब यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे आपका आएगा अप्रोप्रिएशन बिल ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो मनी बी विड्रॉन फ्रॉम द दंसॉलिनेट फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द इंडियाप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ भी पैसा निकालना है अप्रोप्रिएट करना है परमिशन चाहिए तो उसको आप कैसे निकालोगे बाय लॉ निकालोगे जब लॉ बनता है तो पार्लियामेंट की आपको अप्रूवल चाहिए होती है वो होता है अप्रोप्रिएशन बिल ठीक है अकॉर्डिंगली एन अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सहमति ठीक है परमिशन देना अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट ठीक है द ग्रांट वोट द ग्रांड वोटेड बाय द लोकसभा इसके अंदर होता क्या क्या है देखो एक तो जो आप पैसा दे रहे हो लोकसभा में और एक एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अप्रोप्रिएशन बिल में दो चीजें रहेंगी ठीक है क्या रहेंगी एक तो जिसके लिए आप डिमांड फॉर ग्रांट्स करा रहे हो वो इसके अंदर पूरा आ जाएगा जितना अपना पैस, आपको पैसा निकालना है दूसरा एक्सपेंडिचर आपका चार्ज जो हो रहा है मतलब जो ऑटोमेटिकली पैसा कटेगा वो आपका आ जाएगा इसमें अप्रोप्रिएशन बिल में मेंशन में एकदम फैक्ट फिगर के साथ क्लियर कि इतना पैसा है ओके समझ तो yes, yes, आ रहा है सबको यस मैम ऊपर से तो नहीं जा रहा नहीं मैम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ ठीक है ठीक है वेरी गुड यस मैम ओके 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 ठीक है नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड टू द एप्रोप्रिएशन बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट विल हैव इफेक्ट ऑफ वेरिंग द अमाउंट और अल्टरिंग द डेस्टिनेशन ऑफ द ग्रांट वोटेड और ऑफ वेरिंग अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलीटेड फंड ऑफ इंडिया इसका मतलब ये है कि आपका कोई आपने अगर हजार रुपए हजार करोड़ सैंक्शन किया है वो डिमांड फॉर ग्रांट हजार करोड़ के लिए आपको सैंक्शन हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि अब बिल में आप एक हजार सौ एक हजार ग्यारह सौ करोड़ आप ले लो उसमें ठीक है जितना पैसा आपको सैंक्शन हुआ है और जितना आपने चार्ज किया है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से उतना ही पैसा होना चाहिए उसके अलावा पैसा नहीं होना चाहिए अमेंडमेंट आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसमें ठीक है जितनी आपको परमिशन है उतना ही यहाँ पे आपको जितने पॉकेट मनी मिल रही है उतनी आपको रखनी पड़ेगी उसके अलावा नहीं चलेगा ठीक है फिर यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाएगा कोई भी बिल यहाँ पे पास हो जाता है तो यहाँ पे एक्ट बन जाता है कब जब यहाँ पे फाइनली प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की आ, आ, एसेंट जो है वो यहाँ पे मिल जाती है तो इसका मतलब क्या होता है अप्रोप्रिएशन बिल जो है आपका पास हो गया अब आपके पास लीगल अथॉरिटी है कि यहाँ पे सरकार जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल पाएगी स्कीम्स में जितना उसने एलोकेट किया था उतना पैसा वो यहाँ पे निकाल पाएगी ठीक है ठीक है तो ये यहाँ पे यह वो वाला प्रोविजन है जो एक जो आपको दे रखा है कि वोट ऑन अकाउंट बोलते थे उसको जो अलग से एक महीने के लिए पैसा लेते थे ना

फॉर द फॉलोइंग ईयर इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल कंडीशन एप्लीकेबल टू मनी बिल ये फाइनेंशियल बिल वन की बात कर रहा है ठीक है फिर यहाँ पे अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल द अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स कैन बी मूव इन केस ऑफ फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल जो रहता है इसमें आपने जितनी ये देखो इसके अंदर मेजरली ग्रांट्स प्रेजेंट रहती हैं जितना सरकार को पैसा मिलने वाला है जिन पे आपने वोटिंग करवा दी है उसका एक आप क्या कहते हो ब्यौरा बना के आप दे देते हो कि ठीक है ये वाला पैसा है इतना हम निकाल रहे हैं एक रिसीट की तरह आप, ये अप्रोप्रिएशन बिल रहता है ठीक है अब फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में हम अंतर यह रहता है कि फाइनेंस बिल जो रहता है उसके अंडर आप जो है अगर चेंज लाना चाहते हो अमाउंट में तो आप ला सकते हो ठीक है क्योंकि फाइनेंस बिल के पास केस में यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर रहती है ठीक है सो अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स कैन बी मूव इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल अच्छा अब आपने देखा था ना कि जो वन हंड्रेड एंड टेन का क्लॉस ए था उसके अंदर आप टैक्स में ऑल्टरेशन रेमिशन वगैरह कर रहे थे तो अगर वो वाले प्रोविजंस होते हैं उस मनी बिल के प्रोविजंस होते हैं फाइनेंस बिल में और यहाँ पे अगर राज्यसभा असहमत है कि हमें भाई ये जो टैक्स ब्रैकेट है ये ढाई लाख ढाई लाख से आपको जो आप बढ़ा रहे हो तीन लाख आप इनकम कर रहे हो उनको उनकी टैक्स फिगर चेंज कर रहे हो तो वो आपका जो रहेगा उसमें यहाँ पे असहमति जता सकते हैं ठीक है

यहाँ पे पूरा ये जो आपका फाइनेंस बिल है इसको इनैक्ट कराने के लिए इसमें समय सीमा है किसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 का है इसके अंडर आपको प्रेसिडेंट की जो पूरा यहाँ पे बिल है प्रेसिडेंट की एसेंट तक 75 डेज तक ये पास कराना है वरना फिर बजट सेशन ना पूरा यहाँ पे मॉनसून मॉनसून सेशन आ जाएगा विंटर सेशन भी आ जाएगा ठीक है इसीलिए यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे ये कैप लगाएं डेज का

यहाँ पे क्या करते हो ये जो वोट अकाउंट की हमने बात की थी ना वो इसी के थ्रू ग्रांट्स के थ्रू यहाँ पे लेते थे पैसा जो एक महीने के लिए अप्रैल के महीने के खर्चे के लिए ले रहे थे ना सरकार वो यहाँ पे ग्रांट्स के थ्रू ले रहे थे इन वाले ग्रांट्स के थ्रू ले रहे थे एडिशनल ग्रांट एक्सेस ग्रांट इन सब के थ्रू अब बजट में आपका जरूरी नहीं है कि आपने बजट में जो एस्टिमेट किया है अब यहाँ पे कोविड आ गया तो कोविड में तो सरकार का एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो गया ना तो यहाँ पे आपका प्रोविजन तो होना चाहिए कि सरकार एक्स्ट्रा पैसा वारो कर पाए कहाँ से सरकार लाएगी पैसा तो इसीलिए पे पे कुछ सब, यहाँ पे ग्रांट्स अलग टाइप के भी रखे हैं कि सरकार को कभी यहाँ पे कंटिजेंसी में जरूरत हो तो सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल पाए ठीक है तो देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है यहाँ पे क्या करते हैं इसके अंडर आप क्या करते हो अगर आपकी जो पैसा आपने हजार करोड़ एलोकेट किया था अगर वो आपको इनसफिशियंट पड़ता है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसमें टर्म याद रखना फाइनेंशियल ईयर के लिए 2021 की बात हो रही है तो 2021 में अगर आपको कमी पड़ती है हजार करोड़ में भी तो आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री पैसा ले सकते हो ठीक है ये होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट एडिशनल ग्रांट क्या होता है एडिशनल ग्रांट होता है कि अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी आती है कोई नीड यहाँ पे आती है उस फाइनेंशियल ईयर में तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो ठीक है देखो एक में आपकी कमी पड़ रही है एक में आपको और जरूरत है ठीक है कोई सर्विस आप यहाँ पे उसको लिखना भूल गए हो

देखो एक्सेस एक्सेस ग्रांट देखो देखते हैं इट इज द ग्रांटेड मनी विद दैट हैज बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट ऑफ दैट ईयर इट इज वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स आर सबमिटेड टू द लोकसभा फॉर वोटिंग दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट देखो यहां पे सप्लीमेंट्री ग्रांट है और एक एक्सेस ग्रांट है दोनों में अंतर ये रहता है कि एक्सेस ग्रांट में आप ऑलरेडी पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हो ठीक है मेरे पास यहाँ पे सौ मेरे पास सौ करोड़ का बजट था और मैंने सौ करोड़ में से यहाँ पे एक सौ दस करोड़ खर्च कर दिया है अब मुझे वो दस करोड़ का डेफिसिट पड़ रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सेस ग्रांट लूंगी सप्लीमेंट्री ग्रांट है कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है यहाँ पे एक मेरे पास एक सौ करोड़ है लेकिन मुझे जरूरत है एक सौ दस करोड़ की और दस करोड़ भी मेरे पास एडवांस में पैसा नहीं है तो मैं उसको इमरजेंसी के लिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट लेके आऊंगी ठीक है इसकी वोटिंग बाद में कराई जाएगी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना क्या कह रही ये क्वेश्चन है कि मैम अगर ये आप ये कह रहे हैं ना कि जो एक्सेस ग्रांट है इसमें आप खर्च कर चुके हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा आपका पैसा खर्च चुके हैं लोक लेखा समिति जो है उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी बिल्कुल पर मैम हम खर्च कैसे करेंगे हमें तो एक हजार करोड़ मिले हैं तुम 1100 करोड़ कैसे खर्च कर सकते हैं हमें हम हम बोरोइंग लेके खर्च कर सकते हैं सरकार उधार नहीं लेती है ठीक है। है ना सरकार है। उधार लेगी और अब सरकार को वो पूरा भी तो करना पड़ेगा ना कहीं से पे तो करना है ना तो उसके लिए फिर एक्सेस ग्रांट लेना पड़ेगा सप्लीमेंट्री ग्रांट अब आपको बोरोइंग भी नहीं हो पा रही है लेकिन आपको आप, आप आपका लोकसभा उस सिचुएशन में है कि आपके पास समय है और आप वोट करा सकते हो तो आप सप्लीमेंट्री ग्रांट ले लोगे आप प्रेफर करोगे सप्लीमेंट्री ग्रांट कि आप उस पर वोट करा के पैसा लो लेकिन इन केस आपको बहुत जरूरत पड़े है ना जैसे कोविड के टाइम पे सरकार ने यहाँ पे उधार लिया लेकिन वो पैसा उसको वापस भी तो करना है उधार तो अब आप एक्सेस ग्रांट कराओगे ना खर्च हो चुका है क्योंकि वो यस मैम मैम और और फिर तो तो से एक बात चाहिए चाहिए कि पास 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 होने के लिए, के लिए एक्सेस ग्रांट मामले हाँ, में। हाँ, वो तो पास होने ही चाहिए और हो जाएगा पास। सरकार इतना तो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके ही रखती है वरना फिर सरकार गिर जाएगी पैसों के मामले में यहाँ पे आपको करना ही पड़ता है ठीक of... ग्रांट है अगर वो पास नहीं तो सरकार गिर जाएगी नहीं गिरेगी तो नहीं बट ऐसा होगा नहीं कि पास नहीं हो पा रही है बजट में इसमें, में हो 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 इसमें ऐसा नहीं नहीं पाएगा कि पास नहीं हो पा रही है के मामले सकता मीटिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड देखो वोट ऑफ वो क्रेडिट याद, याद रखना कि ये जो आप अप्रैल से मई तक का महीना जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे थे ना ये लोग वो वोट ऑफ क्रेडिट था ठीक है बजट में आपने उसको मेंशन नहीं किया है एक्स्ट्रा पैसा जो आप ले रहे हो कैजुअली ठीक है इसमें क्या होता है एक ब्लैंक चेक दे दिया जाता है कि भाई अब मुझे पता नहीं है कि मेरे को 110 करोड़ की जरूरत है या मेरे को 112 करोड़ की जरूरत है या मुझे हजार करोड़ की जरूरत है तो उस केस में जब आपको पैसा ही नहीं पता कि आपको कितने की जरूरत पड़ेगी तो आप में उस केस में क्या लोगे वोट ऑफ क्रेडिट लोगे आपको अप्रैल से मई तक के महीने के लिए कितना खर्चा हो जाए आपको नहीं पता तो उस केस में यहाँ पे वोट ऑफ क्रेडिट मूव करेंगे ठीक है

उसको आपको रीअप्रोप्रिएट करवाना है ठीक है किसी कारणवश वो उस टाइम आपका रिजेक्ट हो गया था आपने मेंशन किया था लेकिन आपको उसको रीअप्रोप्रिएट करवाना है तो उसको आप क्या कर सकते हो टोकन ग्रांट लोगे उसमें और आप अगर उसमें पे रूपए की पे आप डिमांड रखोगे भाई एक रूपये दे दे तो एक रुपए की डिमांड आपकी पास हो जाएगी तो मतलब आपका ये सबमिट हो जाएगा जितना पैसा आपने बोला था उस टाइम तो वो आपको पैसा मिल जाएगा भले ही वो पहले थोड़ा रिजेक्ट हो गया हो ठीक है किसी कारणवश कमिटी में लेकिन फिर आप टोकन ग्रांट ले सकते हो ठीक है ये ये वाला इतना पूछेगा नहीं लेकिन याद रखना सप्लीमेंट्री ग्रांट एडिशनल ग्रांट ये जो शुरू में हमने पढ़े ये वाले ग्रांट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है इसमें बार बार कंफ्यूज करेगा वो ठीक है मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ खत्म कर दूँ ये दस मिनट बिल्कुल मैम बिल्कुल मैम बताओ yes, बाकी सर यस yes, मैम से फिर जोग्राफी पढ़ लेंगे ना ओके okay, ओके okay. अगर किसी को जाना है क्लास छोड़ के तो quality, आप जा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉलिटी पॉलिटी क्या खत्म हो हो रही है हो है अभी ज्योग्राफी नहीं पाई ना ज्योग्राफी तो बची है पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा आज मैम ये जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी का क्या करना है मैम यहाँ मैंने मैं अपनी बात रखी है वो बाकी सभी की अच्छा <laughs> चलो आप लोग आपस में डिस्कस करके है ना रितु रोशनी आयुष सब अंशु अश्विनी अदिति सब डिस्कस करके अपना देख लेना कि क्या पढ़ना है कल ठीक है वैसे मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पार्लियामेंट खत्म कर देती हूँ दस मिनट में मैम ये जो ग्रांट्स मतलब ये जो आपने बताया

कर ऐसे बता दूंगी कैसे जैसे आप अगर यहाँ पे बात करते हो यहाँ पे इसकी सप्लीमेंट्री की तो इसमें आप इसमें आप क्या लिखना सप्लीमेंट्री ग्रांट में आप लिखना कि यहाँ पे इनसफिशियंट इनसफिशियंट लिखो और प्लस यहाँ पे ये यह लिखोगे क्या यहाँ पे पैसा आपका जो पर्टिकुलर सर्विस आपने यहाँ पे मेंशन कर रखी थी ठीक है मैंशनड इन बजट बट इनसफिशियंट ऐसे करके छोटे छोटे नोट्स बना लेना ठीक है एडिशनल में आपने क्या था कि आपने यहाँ पे क्या था कि इट इज न्यू सर्विस नॉट इन बजट ऐसे करके छोटा छोटा अगर आप लिख लोगे ना तो आपको याद रहेगा मेनली तीन ही है ना एक तो हो गया बाकी आपको याद रहेगा वोट ऑन क्रेडिट भी याद रहेगा एक्सेप्शनल ग्रांट आपको याद रहेगा कि ठीक है एक्सेप्शनल ग्रांट तो एक्सेप्शन केसेस में दिया जा रहा है टोकन ग्रांट भी आपको याद रहेगा कि रीअप्रोप्रिएशन के लिए दिया जा रहा है जो कंफ्यूजन होगी वो एक्सेस एडिशनल और इन सब में रहेगी सप्लीमेंट्री में क्योंकि तीनों मिलते जुलते टर्म है आप लिटरली भी इनका बाय इंग्लिश का वर्ड आपको पता होगा उससे भी आप मीनिंग इसका नहीं निकाल पाओगे है ना तो इसको आपको दो तीन बार देखना पड़ेगा फिर आपको याद हो जाएगा चलो अब हम फंड्स देखते हैं फटाफट ठीक है देखो फंड्स जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 266 में मेंशन है याद रखना आर्टिकल कई बार पूछता है कि 266 किससे रिलेटेड है 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 267 किससे रिलेटेड रिलेटेड 266 जो है, आपका किससे है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से और आपका टू जो है वो रिलेटेड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ठीक है अभी जब सब ने पूछा था ना कि क्या यहाँ पे होता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है ठीक है तो देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं हम जितना भी सरकार पैसा रिसीव करती है कुछ भी यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो किसी अकाउंट में तो जाता होगा किसी फंड में तो जाता होगा पे सरकार की कमाई तो होती है थ्रू टैक्सेस वगैरह वो कहीं तो पैसा जा रहा है तो वो जो यहाँ पे सरकार का यहाँ पे जो इनकमिंग रहता है जो उसके यहाँ पे रेवेन्यूज रहते हैं ठीक है ठीके? वो यहाँ पे कौन से फंड में आते हैं वो आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ओके जितना यहाँ पे आपने लोन लिया है जितना भी पैसा आपका जो आपका रीपेमेंट रहेगा वो कहाँ से कटेगा फंड ऑफ इंडिया से कटेगा ठीक है तो ये आप टोटल कमाई भी जो हो कमाई वाली हाँ ये सरकार का अपना पैसा रहेगा ये सी एफ आई होता है ओके तो ये आपका टू सिक्सटी सिक्स में, में, में है। फिर टू सिक्सटी सिक्स में आपका आता है पब्लिक अकाउंट ठीक है पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या होता है लोगों का अकाउंट पब्लिक का अकाउंट तो यहाँ पे जो सरकार की लाइबिलिटी रहती है मतलब सरकार को तो जो, जो यहाँ पे, 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 पे बैक करना है लोगों को ठीक है आपको पता है यहाँ पे जो, जो, जो नौकरी करते हैं, वो पी एफ में पैसा देते हैं ठीक है पी एफ में पैसा देते हैं तो वो आप उनको बाद में रिटायरमेंट पे मिलेगा भी तो ना जब भी वो चाहेंगे या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे पीएफ का पैसा निकालेंगे वो पैसा कहाँ पे जाता है वो यहाँ पे वो सरकारी होता है लेकिन वो जाता कहाँ है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है मतलब ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक टेम्पररी अकाउंट होता है जिसमें यहाँ पे सरकार का जो पैसा है वो उसका खुद का नहीं है ये पब्लिक का है उसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ठीक है रेमिटेंसेज आ रहे हैं जैसे पैसा बाहर से आ रहा है लेकिन आपको जहाँ पे इंडिया में आपको वो उसको ट्रांसफर करना है वहां पे भी तो भेजा जाएगा तो ये रेमिटेंसेस कोई सरकार को थोड़ी भेज रहा है अपने अपनी रहे को भेज रहे है ना लेकिन बीच में यहाँ पे मीडियेटर कौन रहेगा सरकार रहेगी सरकार में भी स्पेसिफिक कौन रहेगा यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रहेगा ठीक है ठीके? और सेविंग बैंक में हम जो पैसा लगा रहे हो आप, आपने एस में पैसा जमा किया वो पैसा भी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो वो पैसा कहीं जाएगा है ना तो वो कौन सा अकाउंट रहेगा ओवरऑल यहाँ पे कौन सा अकाउंट रहेगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रहेगा जो लाइबिलिटी रहता है गवर्नमेंट की

वो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इसका पैसा देखता है इसमें से जो है यहाँ पे ये वाला फंड जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है और प्लस आपका कंटिजेंसी फंड जो है ठीक है इन दोनों का जो पावर रहता है वो यहाँ पे रहता है एग्जीक्यूटिव के पास मतलब आपका जो गवर्नमेंट है वो अगर बोले यहाँ पे पैसा निकालना है इन दोनों में से तो यहाँ पे दिस इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे इन दोनों फंड में पैसा निकालने के लिए ठीक है तो यहाँ पे सिंपली अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो यहाँ पे पैसा जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं ओके कंटीजेंसी देखो क्वेश्चन हां कि मैम जो ये आकस्मिक निधि होती है हुँ. तो इसमें मैम अमाउंट आती कहाँ से है क्या इसके लिए भी इसमें पैसे रखने के लिए कि किसी आपात इस, आपात स्थिति में यूज किया जा सके जो पब्लिक अकाउंट से इसके... नहीं मैम आकस्मिक निधि से ना ये जो आपात स्थिति की बजट में आएगा ना बजट वही मैम यही क्वेश्चन ही था कि बजट में हम इसके लिए भी हर साल बजट में ये इसको खत्म जैसे ही कर देंगे पाँच सौ करोड़ तुमने कोविड में खत्म कर दिया अब अगले साल फिर से बजट जब आएगा तो पाँच सौ करोड़ फिर से यहाँ पे रिन्यू कर दिया जाएगा टॉपअप की तरह पांच सौ करोड़ अच्छा ही रहे पाँच सौ करोड़ ही है हाँ पांच सौ करोड़ है और प्लस यहाँ पे स्टेट का कंटेन्जेंसी फंड अलग होता है उसमें कितने भी हो सकते हैं उसमें उनका अपना अलग है ये सेंटर का फंड है, है? ठीक स्टेट के अपने अलग फंड होते हैं उससे कंफ्यूज मत होना। उड़ीसा का अलग होगा, यूपी का अलग होगा किसी में चार सौ होंगे किसी में दो सौ होंगे यूनियन तो, की तो संचित निधि भी होती है ना राज्य की संचिति उनकी अलग होती है बिल्कुल स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उनका भी पब्लिक अकाउंट होता है ये कंटिजेंसी फंड होता है सब यहाँ पे

ठीक है मैम ये जो तीनों है कॉन्सोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट और कंटेन्जेंसी फंड मैम ये तीनों में तो जो हमारे टैक्सेज है वही जाते होंगे है ना बिल्कुल कर, uh, consolidated fund of India में जाते हैं वो सरकार का अपना पैसा रहेगा ना जो आप सरकार को दे रहे हो और मैम ये जो कंटेजेंसी फंड है तो इसमें uh, मतलब एक वैल्यू सेट होती है कि इतने पैसे जो है वो यहाँ कंसोलिडेटेड तो, फंड में वैल्यू उसमें सेट रहती है पाँच सौ करोड़ का मेरे ख्याल से ये फंड रहता है और इसमें जैसे ही खत्म होता है पैसा वैसे ही बजट में ये लोग ऐड कर देते हैं कि पाँच सौ करोड़ जो है आपको चार्ज करने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पाँच सौ करोड़ इसमें आ जाएंगे वापस से है ना और इनमें यहाँ पे वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है कंटिजेंसी में और यहाँ पे पब्लिक अकाउंट में इन ये दो ए, दो फंड्स हैं जहाँ पे आपको वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी वोटिंग की जरूरत यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होती है फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए बाय लॉ आप इसमें से पैसा निकाल सकते और और हाँ? भी, तो भी, भी जमा हो जाती है हाँ, तो हाँ, मैम हाँ, जब हाँ. जब हर एक जगह पे मतलब थ्री डिफरेंट हाँ. ऐसे तो कई सारे फंड हो जाएंगे वहां पे जब हमारे टैक्सेस इतने ज्यादा मतलब हर एक जगह थोड़े 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 चले ही जा रहे है तो तभी तो फिर ये पूरा कंसोलिडेटेड फंड रहता है ना वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इकोनॉमिक लेवल पे कैसे काम करता है लेकिन जितना भी पैसा होता है वो एक फंड में यहाँ पे चला जाता है उसी से यहाँ पे सरकार जो है अपना लेन देन करती रहती है ठीक है मतलब ये अब वो ऑन ग्राउंड कैसे काम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता ये तो इकोनॉमिस्ट को पता होगा वो वो देखना पड़ेगा लेकिन फिलहाल इसको अगर आप सनशिप में देखो तो तीन फंड्स रहते हैं अलग अलग काम है इन तीनों फंड्स का है ना मैम मैं एक एडिशनल क्वेश्चन था मेरा हां जी राजीव सर फोटो भी शेयर कर लेंगे तो पूछ लूंगा मैम से पर आप हैं तो आपसे ही पूछ लेते हैं हाँ हां 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 मैं वो क्वेश्चन ये था एक मिनट मैम मैं, मैं भूल गया मुझे नोट मैंने नोट किया था कहीं ठीक है ठीक है याद करो चलो मैम वेट प्लीज जाइएगा मत हाँ नहीं मैं वेट कर रही मैम ये भी बताना चाहिए कि इतने पैसे हम इतने पैसे कंसोलिडेटेड फंड में दे रहे हैं और पीएम फंड में जो इतने पैसे हैं वो इतने हैं और ये यहाँ से आ रहे हैं और इतने खर्च हो रहे हैं <laughs> देखो वैसे तो उसका रहता ही है एलोकेट हो जाता है वहां से कोई गड़बड़ नहीं होती जब उसको निकाल लिया जाता है कैश जब वो जनरेट हो जाता है आपने हजार करोड़ ले लिया देखो मनी लॉन्ड्रिंग करने के बहुत तरीके होते हैं ना अपने फर्जी यहाँ पे आ, क्या कहते हैं उसको पोजिशन uh, बना दी फर्जी नौकरियां बना दी जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी नौकरी निकाली है पचास हजार नौकरी निकाली है उस पर सैलरी उन्होंने कितनी रखी है छः हजार रुपये रखी है है ना कुछ uh, पंचायत वाली से रिलेटेड है तो ये भी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे ऐसे चैनलाइज होता है पैसा मतलब छः की नौकरी कौन करेगा लेकिन वहाँ पे करप्शन के बहुत सारे चार्ज चार्ज आते हैं तो इनको यहाँ पे बहुत uh, हमें नहीं पता चलेगा आम आदमी को नहीं पता चलेगा ये सब पीछे लोग ऐसे गड़बड़झाला करते रहते हैं मैम वही तो, 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 तो मैम ऐसे जीएसटी जी लगा, तो लगा लगा के मैम बताइए पानी की बोतल पे अठारह परसेंट जीएसटी लग रही है मैम आम आदमी को ये बातें नहीं पता होगी बट एक पानी की बोतल पे इतनी जीएसटी मतलब अठारह परसेंट हम उसी का दे रहे हैं कॉस्मेटिक्स के लिए ट्वेंटी एट परसेंट मैम कि आम आदमी को पता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा किसी दिमाग नहीं है इतना सोचने के लिए जब अपना घर बनवाता है

तो, तो वही तो वहाँ पे तो आई नहीं थी कि यहाँ पे वो उन्होंने दिखाया है कि एम्प्लॉयमेंट जो आपका है बड़ा है जबकि ऑन ग्राउंड क्या हुआ है घटा है तो हाँ हाँ तो वही तो उसी बात पे तो उस उस सर्वे का यहाँ पे क्रिटिसिज्म करा जा रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है वो एक्चुअली क्या होता है आपका पी एल सर्विस सर्वे की बात कर रहे हो ना यस yes, मैम हाँ तो उसमें ना देखो वो लोग दो दो पैरामीटर्स यूज करते हैं एक तो यहाँ पे आ, आ, क्या कहते हैं उसको करंट वीकली स्टेटस वहाँ पे यूज करते हैं एक वहाँ पे यूजुअल स्टेटस यूज करते हैं तो एक ये यहाँ पे उनके मेट्रिक सिस्टम जो उन्होंने यूज किया है ना उसकी वजह से ये आया है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है शायद यूजुअल स्टेटस के ऊपर उन्होंने वहां पे यूज किया है उसका अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मैं आपको उसके बारे में भेज दूंगी तो जो उन्होंने वहां पे पैरामीटर्स यूज किए हैं उसकी वजह से वहां पे उसका ऑन पेपर ही आया है और मे बी उन्होंने इंटेंशनली किया हो हाँ हो सकता मैम इरादतन क्या हो क्योंकि

हम्म इसीलिए वो आता है वो उनके पैरामीटर्स थोड़े अलग हो जाते हैं इसीलिए वो गड़बड़ झाला लगता है थोड़ा सा लेकिन पहले पिछली तो बार वो ठीक इस है इस पैरामीटर के हिसाब से भी अगर देखा जाए मैम तो भी ए रेट जो बढ़ा था एक्चुअली मैम ना जब सर से बात हो रही थी इस बारे में हां हां एक बार इस बारे में बात हो रही थी तो सर ने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स दिए थे तो

किस पैरामीटर के बेसिस पर ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो निकाला है ओके ओके ठीक है मैं आपको भेज दूंगी मेरे पास लिखा हुआ है ये मैं आपको भेज दूंगी ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू सो मच ठीक है चलो अब हम फिर फटाफट देख लेते हैं एक देखो ये आप पढ़ लेना कि ये सब ये बहुत यूजुअल चीजें हैं कि पावर इसमें क्या है क्या नहीं है समानता कहाँ पे है बेसिक जुडिशियल पावर्स क्या हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री ये सब आप अपने आप पढ़ लेना ठीक है अभी इतना समय नहीं है तो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा कहा मैच नहीं करते हैं ठीक है थीके? क्या यहाँ पे ऐसी पोजिशन है जो यहाँ पे अनईक्वल रहती है लोकसभा के पास राज्यसभा से देखो आ, इसमें आपका एक आर्टिकल होता है टू फोर्टी यहाँ पे देखो अनइक्वल स्टेटस एक तो देखो आपको पता है कि लोकसभा का रहता है मनी बिल के रिगार्डिंग ठीक है मनी बिल के केस में आपके पास लोकसभा के पास ज्यादा पावर रहती है फिर राज्यसभा में जो है मनी बिल के पास पावर नहीं रहती वो रिजेक्ट नहीं कर सकते ठीक है फिर लोकसभा जो रहता है ये कैन नीदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा ये मतलब मनी बिल की बात करें कि मनी बिल की जो एक्सक्लूसिव पावर रहेगी और वोट फॉर ग्रांट की जो पावर रहेगी वो किसके पास रहेगी लोकसभा के पास तो ये अनईक्वल स्टेटस रहता है इन दोनों के बीच में ठीक है फिर अगर हम बात करें आर्टिकल टू फोर्टी नाइन की देखो यहाँ पे स्पेशल पावर की बात करते हैं कि राज्यसभा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर नहीं है आर्टिकल 249 अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे तीन लिस्ट होती हैं क्या आप लोगों को तीन लिस्ट के बारे में पता है जो आपकी करंट yes, होती है हाँ कौन से शेड्यूल so, में मेंशन है पता है यस मैम सेवेंथ शेड्यूल में बिल्कुल सेंट्रल और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट हाँ देखो एक होती है यूनियन की लिस्ट एक होती है आपकी स्टेट की लिस्ट ठीक है और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट ठीक है इसमें कुछ सब्जेक्ट रहेंगे एक इसमें कुछ सब्जेक्ट रहेंगे और इसमें कुछ सब्जेक्ट रहेंगे इन दोनों पे आपके दोनों आपका जो स्टेट रहेगा और प्लस आपका यूनियन रहेगा वो दोनों मिल कानून बना सकते हैं अगर यहाँ पे दोनों एंटी रहते हैं कानून तो वहाँ पे वैलिड कौन सा रहेगा यूनियन का रहेगा जैसे कि यहाँ पे फार्म बिल के ऊपर इन्होंने बना दिया है वहाँ पे एंट्री नंबर थर्टी है आप देखना वहां पे ट्रेड से रिलेटेड है तो वो एंटी हाँ तो हाँ तो हो जाएगा ओके तो और देखो यूनियन में ये एक्सक्लूसिव यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो यहाँ पे यूनियन उन सब्जेक्ट्स पे जो है कानून बना सकते हैं स्टेट वाले में यहाँ पे जो लिस्ट है स्टेट कानून बना सकता है उसमें लेकिन ऐसा भी प्रोविजन है जहाँ ये जो यूनियन है उसके पास पावर आती है कि वो यहाँ पे स्टेट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे लॉ बना सकता है लेकिन ये होता कब है ठीक है ये होता है इस आर्टिकल 249 के अंडर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये 249 फोर्टी कुछ कुछ आर्टिकल्स आपको एकदम रट्टे होने चाहिए कि 249 है क्या ये जो है इसमें क्या करते हैं आप इट कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ठीक है आप पावर दे रहे हो यहाँ पे पार्लियामेंट uh, को मतलब पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे क्या है यूनियन को पावर दे रहे हो कि वो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना पाए और uh, ये 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 कैसे होता है इसमें इसके अंदर जो है वो ये मेंशन है कि अगर यहाँ पे राज्यसभा जो है राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं 245 मेंबर्स हैं अगर वो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप स्टेट के सब्जेक्ट पे यहाँ पे कानून बनाए तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है जो जो पार्लियामेंट है उसके पास लोकसभा के पास यहाँ पे पावर आ जाती है कि ठीक है हम यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करेंगे ठीक है है अब राज्यसभा आपका क्या है? राज्यों की सभा है ना स्टेट की काउंसिल है ना तो यहाँ पे अगर आपको स्टेट में स्टेट लिस्ट में आपको कानून बनाना है तो आपको राज्यसभा जो है वो एम्पावर कर सकता है क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है दिस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट तो ये आपका आर्टिकल 249 के अंडर टू फोर्टी नाइन के अंडर यहाँ पे अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से स्पेशल से अगर ये रेजोल्यूशन पास करता है किसके लिए यहाँ पे कानून बनाने के लिए स्टेट सब्जेक्ट में तो यहाँ पे आर्टिकल टू फोर्टी नाइन के अंडर जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के अंडर ठीक है इतना समझ आ गया ना यस yes, मैम ओके ओके ठीक है फिर और यस yes, मैम अभी यही देखने को मिला था ना मैम जो है हाँ, राज्य सूची के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें हाँ, से पांच सब्जेक्ट निकाल के जो लिस्ट थी, उसमें मतलब ये लोग ऐसा नहीं है अगर उनको लगता है यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट जो है पहले शायद स्टेट में हुआ करता था अब कॉन्क्रिंट में है तो मतलब वो सब चलता रहता है ट्रांसफर है ना तो अब देखो यहाँ हम्म हम्म हाँ ना राज ये वाला हम बिज खत्म कर लेते हैं ना क्योंकि बहुत टाइम हो गया है फिर सब वेट कर रहे हैं तो आप बाद में मुझसे पूछ लेना पर्सनली ठीक है ओके देखो यहाँ पे अब एक और यहाँ पे पावर रहती है राज्यसभा के पास यहाँ पे आर्टिकल थ्री थ्री वन टू के अंडर यहाँ पे आपका फेवरेट आर्टिकल है ये ठीक है किस रिलेटेड है ये आपका ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है ये जो है अगर यहाँ पे चाहें आ, जो राज्यसभा है वो यहाँ पे न्यू सर्विसेज अगर आपको यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनानी है तो उसकी पावर किसके पास है आर्टिकल थ्री वन टू के अंडर यहाँ पे राज्यसभा के पास है ठीक है एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा की प्लस यहाँ पे अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट की हमने बात की थी वाइस प्रेसिडेंट को आपका रिमूवल वाला जो रेजोल्यूशन रहता है वो यहाँ पे सिर्फ शुरू हो पाता है कहाँ पे आपके राज्यसभा में शुरू हो पाता है ठीक है लोकसभा में नहीं शुरू होता है वो

एमरजेंसी है लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी है ठीक है थ्री फिफ्टी सिक्स है और थ्री सिक्सटी फाइनेंशियल फाइनेंशियल एमरजेंसी तो ये भी जो है इनका आपका जो है राज्यसभा का रोल रहेगा इन तीनों में इनके राज्यसभा के रोल के बिना यहाँ पे आप ये कम्प्लीटली अप्लाई नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये यहाँ पे राज्यसभा का रहता तो है फिर बस देखो इसमें कई बार मेंस में सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा की यहाँ पे जरूरत आपको क्यों पड़ती है ठीक है दो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी आपको बैलेंस करने के लिए उसका जवाब लिखना पड़ेगा कि ठीक है ये चेक चेक एंड बैलेंस का काम करता है ठीक है कम पावर है भले ही लेकिन ये आपका एक एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है तो ऐसे करके इन इन पॉइंट्स को रीड करना है ना और इसका आंसर देने की कोशिश करना ठीक है कई बार ये आ, आपके मेंस के टेस्ट सीरीज में उनमें पूछा जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा का कंपैरिजन पूछते हैं तो देखो सिमिलैरिटी तो सबको पता है लेकिन यहाँ पे स्पेशल पावर्स जो है राज्यसभा की याद रखना डिसिमिलैरिटी याद रखना कि मनी बिल के रिगार्डिंग होती हैं ये सब मेन मेन क्लॉजेस की उसमें होती है ठीक है बस इसमें यही है अब हम इसको फिर देखेंगे पार्लियामेंट्री बचा है अभी प्रिविले बच गया है चलो फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इतना इतना अब ये इतना वो नहीं है 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 प्रिविलेज वाला ठीक कमेटी और कल से ज्योग्राफी करेंगे ना हाँ हम हाँ, कल ज्योग्राफी करेंगे अब पार्लियामेंट ये छोड़ देते हैं ये ठीक है कल से ज्योग्राफी करते हैं ज्योग्राफी में थोड़ा हाँ वो थोड़ा ये थोड़ा ड्रैग हो गया है ठीक है चलो बाय बाय नहीं मैम इसे good आगे थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा जब भी समय मिले क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है राजेश ओके चलो गुड नाइट एवरीवन थैंक यू फॉर गुड नाइट मैम ओके बाय बाय गुड नाइट ओके मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट मैम गुड नाइट